नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देवास दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान में वो शामिल होंगे, और नेमावर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देवास पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ जल गंगा संवर्धन अभियान में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नेमावर ये जगह है जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन आज भी हम सबके लिए अपने जीवन में ये पुरातत्व के प्रमाण, ये पाषाणिक अवशेष, ये हमें गर्व करने का मौका देते हैं। लेकिन ये केवल अतीत के गर्व करने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान के दौर में भी हमारी जल संरचनाएं, चाहे नदी, तालाब, हमारे कुएं, बावड़ी, इन सबके लिए भारत जी 5 जून से 16 जून गंगा दशहरा कर, अतः पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक के पूजा आयोजन के संकल्प में, आयोजनों के माध्यम से हम सबने संकल्प लिया है कि हमारे द्वारा अपने आसपास के गली मोहल्ले को लगभग पूरे देश के अंदर या आधा सुधार प्रदेश का बना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देवास पहुंच चुके हैं और ये श्रमदान की तस्वीरें हैं, जब श्रमदान कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेमावर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नर्मदा नदी पर अभियान चलाया जा रहा है, पूजा भी की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और ये श्रमदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान की ये तस्वीरें हैं। ऋतुओं के हिसाब से, इनके मौसम के हिसाब से पूरे 12 माह के अलग अलग रचनाएं जो हुई, ये ऋषि मुनियों ने वर्षों तक अपने जीवन के निचोड़ के रूप में उपहार स्वरूप पूरे देश को दी। कितना अच्छा लगता ग्रीष्म काल में गंगा दशमी का हमारा अपना पर्व आता है। गंगा ये नदी भी बनती, नदियों के किनारे जल ही जीवन है, और नदी के किनारे कहने के लिए तो हमारे यहाँ सिंधु नदी घाटी
अतीत के काल से अतीत में मिले प्रमाणों के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का महत्व रेखांकित करती है। लेकिन आज भी हम सबके लिए अपने जीवन में ये पुरातत्व के प्रमाण, ये पाषाणिक अवशेष, ये हमें गर्व करने का मौका देते हैं। लेकिन ये केवल अतीत के गर्व करने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान के दौर में भी हमारी जल संरचनाएं, चाहे नदी, तालाब, हमारे कुएं, बावड़ी, इन सबके लिए भारत जी 5 जून से 16 जून गंगा दशहरे पर अर्थात पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक ये पूरे आयोजनों की श्रृंखला बनाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से हम सब ने संकल्प लिया है कि हमारे द्वारा अपने आसपास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेमावर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं और इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां सफाई करते हुए भी नजर आए हैं और लोगों से मुखातिब भी होते हुए नजर आए हैं, बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। इससे पहले ये देवास से अरे यार सब क्या जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत पतित पावनी मां नर्मदा के घाट पर सफाई कार्य प्रारंभ करके करोड़ों सनातनियों को ये प्रेरणा देने का काम किया है। मां नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ये समस्त जीवन देने वाली मोक्ष देने वाली नदियां हैं, ये मां माना गया है। इसलिए इसमें स्नान ध्यान करने का पुण्य तो हम प्राप्त कर रहे हैं गंदगी जी, लेकिन जो गंदगी माँ नर्मदा के तट पर श्रद्धालु जन छोड़कर जाते हैं उसको स्वच्छ करना भी हम सबका कर्तव्य है। नदियां निर्मल रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों को पेयजल का संकट नहीं होगा। ये कर्तव्य रखते हुए माँ नर्मदा जब लोगों के खेतों तक पहुंचती है तब अन्नपूर्णा बनकर हमारे घरों तक पहुंचती है, हमारे अन्नारे भंडारे करती है। इसलिए हम सब मिलकर सरकार के इस अभियान में अपनी अपनी सहभागिता दें, क्योंकि आज देश के यशस्वी नेता हम सबके लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में पुनः शपथ ग्रहण